सवाल ए पूछा था कि 9 से तुम्हें कंप्लीटली चेक करनी है डिविजिबिलिटी, तो आप जोड़ोगे 8 5 13 3 16 4 20 21 आ गया, प्लस कितना 3 यम आ गया। तो यम का ऐसा मान रखना होगा कि वो 9 से कटे, हमने शुरू में 3 से चेक कर लिया था। तो अगर याद रखना यम की जगह हम 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ध्यान देना 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 21 में 6 जोड़ोगे 27 आ जाएगा, और 27 पूरी तरीके से 9 से क्या होता है, कट जाता है। कन्फर्म है? फिर अगर एक मान तुम्हें मिल चुका है तो दूसरा मान अगर 3 जोड़ दोगे तो फिर दूसरा मान मिल जाएगा 5, फिर 3 जोड़ोगे तीसरा मान मिल जाएगा 8। उसने मिनिमम मान कहा तो मिनिमम मान 2 हो गया, और मैक्सिमम मान कहा तो मैक्सिमम मान 8 हो गया। उसने मिनिमम और मैक्सिमम का गुणनफल पूछा था तो 8 2 16, ऑप्शन नंबर डी कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से आइए। बिल्कुल बता दिया हूं एकांश, दोबारा से एक बार फिर से आपको नया क्वेश्चंस दिया हूं स्क्रीन पर, ट्राई करिए खटाखट। चलो, यदि संख्या 67 84 32 9 x 145 11 से पूर्णता विभक्त है तो x का मान बताना है। इस बार आपको जो चेक करना है वो 11 से पूर्णता विभक्त चेक करना है। तो 11 का रूल क्या है, आइए उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 11 के विभाजकता नियम में हम अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं, तो अल्टरनेट नंबर को अगर जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 में 9 जोड़ोगे 9 6 15, 15 3 18, 18 8 26, और 26 6 32। जब कभी 11 का विभाजकता नियम कहे तो हमेशा याद रखना अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं, बाकी जो बचे नंबर अब उनको जोड़ लो। 7 4 11, 11 2 13, 13 में 1 यक्ष आ जाएगा और 1 4 आ जाएगा, 13 4 17 प्लस यक्ष। कंफर्म है? कभी भी 11 का विभाजकता कहता है तो अल्टरनेट नंबर को जोड़ लेते हैं, जैसा कि यहां पर जोड़ा, फिर जो बचे हुए नंबर है उनको जोड़ लेंगे। अभी इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। अब अगर डिफरेंस करते हैं तो 32 में से ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा, 32 में 17 घट जाएगा तो 15 आ जाएगा माइनस यक्ष। अब यक्ष की जगह आपको ऐसी वैल्यू सेट करनी होगी कि जो घटाने पर जो आए वो किससे कटे, 11 से। अगर यक्ष का मान आप 4 रख देते हो तो 15 में से 4 निकल जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 11 से पूर्णता कट जाता है। 11 का विभाजकता नियम भी यही कहता है, किसी संख्या के अल्टरनेट नंबर का योग माइनस शेष नंबर का योग का डिफरेंस यदि 0 या 11 का मल्टीपल होता है तो वह संख्या सदैव कट जाएगी। कंफर्म हो गया बेटा? तो आंसर क्या होगा यहां पर, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने आंसर्स कर लिया है, अच्छी बात है। अगला सवाल स्क्रीन पर फिर आपके साथ है। अनमोल जी पांडे बिल्कुल 4 सही है, निखिल सिंह आपकी भी 4 सही है, अंकित तिवारी बिल्कुल सही है, वैशाली सिंह, अमन सरोज वेरी गुड इवनिंग भैया, एकांश पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा और देखता हूं कितने स्टूडेंट इस सवाल का सही उत्तर करते हैं। लिखा 133 फैक्टोरियल 7 की पावर n से पूर्णतः विभक्त हो तो n का अधिकतम मान क्या होगा। मींस सवाल ए है कि 133 पे फैक्टोरियल लगा है, अब अगर ये 7 की पावर n से पूरी तरह से डिविजिबल है तो n का मैक्सिमम मान आप क्या निकाल सकते हैं, ये आप लोगों को आंसर करना है। देखता हूं किनके आंसर करेक्ट आते हैं। विकास तिवारी, किरण मिश्रा, सबके आंसर सही आ रहे हैं। आज बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, मे बी आज लाइट का थोड़ा सा इशू है तो हो सकता है लोग नहीं जुड़ पाए हों, या हो सकता है कि इंटरनेट इशूज हो, जैसे मेरे यहां भी आज लाइट वगैरह नहीं थी, अभी आई है थोड़ी समय पहले। चलिए, और लोगों को पता भी नहीं रहेगा 7:30 पे वेट किए होंगे, उसके बाद क्लास ही नहीं आई 7:30 की, खराब मौसम की वजह से। तो इस सवाल का आंसर करेंगे आप लोग, देखता हूं किसका आंसर सबसे तेज आता है। चलिए मैं सिखाता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो 133 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। 133 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, इसी तरीके से आप कहां तक जाओगे, 133 तक।
तुम्हें 7 की पावर n से चेक करना है, यानी 7 का मल्टीपल मैक्सिमम कितनी बार आएगा वो तुम ढूंढ लो। 7 का मल्टीपल मैक्सिमम जितनी बार आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, अप्रोच से सिखाता हूं। दूसरा मैं स्मार्ट अप्रोच से सिखाऊंगा। तो 7 का मल्टीपल तो एक 7 में आएगा क्योंकि एक सत्य 7 होता है। दूसरा 7 का मल्टीपल 14 में आएगा क्योंकि वही जो है 7 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, तो एक 7 में आएगा, एक 14 आएगा, 7 3 21 आएगा, 7 4 28 आएगा, 7 5 35, 7 6 42। अब 49 में डबल 7 आएंगे, याद रखना 49 में 49, फिर 7 8 56 आएगा, ठीक है, फिर 7 9 63 आएगा, 7 10 70 आएगा, ठीक है, इसी तरीके से 11 7 77 आएगा, 12 7 84 आएगा, 13 7 91 आएगा। अब उसके बाद 98 में जाओगे ना, तो 49 दूरा 98 77, यहां पर 98 में जो होगा यहां पर भी डबल बार 7 होगा क्योंकि 49 दूरा 98। इसी तरीके से 15 सत्य 105 आएगा, 16 सत्य 112 आएगा, ठीक है, 17 सत्य 119 आएगा, ठीक है, 18 सत्य 126 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 19 सत्य 133 आएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से अगर काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 21। तो ऑप्शन अगर तुम देखोगे तो 21, बट इस तरीके से आपको एग्जाम में ये सवाल नहीं लगाना है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट मैं आपको इसलिए ऐसा करके दिखाया कि आपको ये पता हो कि सवाल का रियल मीनिंग क्या था। सवाल का रियल मीनिंग ये था कि 133 फैक्टोरियल को अगर 7 की पावर n से मैं डिवाइड करूं तो n का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। इसका मतलब है 133 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर के 133 तक की संख्याएं लगातार गुणे के रूप में लिखिए, जैसा मैंने लिखा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। जब 133 तक तुम कंटिन्यू लिखोगे तो उसमें आपको देखना होगा कि 7 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स आएगा, यानी 7 के मल्टीपल कितने आएंगे, 7 से फैक्टर कितने बनेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको तोड़ करके दिखाया कि 7 जिन गिनतियों के टेबल में आएगा और ब्रेक डाउन करके दिखाया। बट एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो ऐसा हम कदापि नहीं करेंगे, ध्यान देना। चलिए एग्जाम में कैसे करेंगे, अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर सभी स्टूडेंट बताएं कि हाँ समझ में आया है। बट एग्जाम में ऐसे सवाल को अटेम्प्ट जब करिएगा तो याद रखिएगा 133 फैक्टोरियल जो दिया गया है उसमें 7 की पावर n में सबसे पहले इसको 7 से भाग दे दो। अगर 7 से भाग दोगे तो 19 बार सीधा सीधा जाएगा। जो भागफल आता है इस भागफल को पुनः 7 से भाग कराओ, तो 7 से भाग कराओगे 7 2 14। अगर जो नंबर अब मिला भागफल इसमें 7 से भाग होता तो मैं पुनः कराता, बट अब नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ लो 19 2 21, आपका शानदार उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। संदीप सरोज पूछे सर सुपरटेट की वैकेंसी कब तक आएगी। अब वैकेंसी का आप वेट करिए बेटा, वैकेंसी का तो अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है हमारे पास भी, ठीक है, एक होप लेकर के चल रहे हैं, जैसा कि अभी एक थोड़ा बहुत तो सूचना आ रही है कि स्क्रीन पर जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है, मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। ये सब क्वेश्चन जितने भी मैं यहां पर करवा रहा हूं ये सब क्वेश्चन वन डे एग्जाम्स के हैं, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप यूपीएसआई देना चाहते हैं, यूपी पुलिस देना चाहते हैं, डीएसएसबी देना चाहते हैं, एसएससी देना चाहते हैं, रेलवे देना चाहते हैं, उन सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई चल रहा है। और अगर अच्छे से इन सारी चीजों को समझ करके आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप टेट सुपर टेट आपके लिए बिल्कुल खिलौना बन जाएगा, और हम चाहेंगे भी कि आप लोग मेहनत के साथ इन चीजों को विधिवत ढंग से पढ़ें। चलिए थैंक यू फीडबैक देने के लिए। तो याद रखना लिखा जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया गया तो शेषफल कितना आया 2, ध्यान देना, लिखा जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया गया तो शेषफल कितना आया 2, फिर जब उसी भागफल को 7 से विभाजित किया गया तो शेषफल कितना आया 5। एक बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या में पहले भाजक से भाग देने पर जो भागफल मिले अगर उस भागफल में दूसरे भाजक से तुम भाग देते हो तो भाग की यह प्रक्रिया जो है क्रमागत भाजक कहलाती है, सक्सेसिव डिवाइजर कहलाता है।
तो क्रमागत भाजक में हम संख्या को फाइंड आउट कैसे करते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे भाजक। भाजक अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास भाजक है, सबसे पहले हमने 3 से भाग दिया था तो भाजक 3 है। दोबारा हमने भागफल को, भाजक का जो भागफल मिला था, मतलब भाग देने पर जो भागफल मिला था उसको हमने किससे भाग दिया, 7। जो हमारे पास रिस्पेक्टिव शेष मिले थे वो भी लिख लो। पहला शेष जो मिला था 3 से भाग देने पर 2 मिला था और 7 से भाग देने पर 5 मिला था। संख्या निकालने के लिए हम अपने दाहिनी ओर से स्टार्ट करते हैं, सीधे को जोड़ेंगे, फिर तिरछे को गुणा करेंगे और फिर सीधे को जोड़ेंगे। अब यहां पर सीधे को जोड़ेंगे, तिरछे को गुणा करेंगे, सीधे को जोड़ेंगे, याद रखना। तो 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 3 36, 36 2 38, यानी वह संख्या थी 38। अब अगर उसी संख्या को मैं 21 से भाग दूं तो शेष क्या आएगा, तो संख्या 38 आ गई। और 38 को अगर तुम 21 से भाग दोगे तो 21 91 में 21, 8 में 6 गए 7, 3 में 2 गए 1, शेष आएगा 17। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 38 संख्या निकाल लिया किरण मिश्रा, बिल्कुल सही आंसर निकाला है बेटा आपने, संख्या निकाला है लेकिन हमने शेष पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस जल्दी से बताइएगा, स्क्रीन पर है, देखो किसके किसके आंसर सही आते हैं इस सवाल के लिए। जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः 2, 3 और 5 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेष क्या होगा, ये भी सवाल जो है सक्सेसिव डिवाइजर का है, जल्दी करिएगा। कोई बात नहीं अंकित जी, अगर भूल गए थे तो अब दोबारा एक बार आपका रिवाइज्ड हो जा रहा है। आवाज अच्छी जा रही है बच्चों, आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, देख करके मेरा भी उतना कह सकते हो कि जो एनर्जी के साथ फ्लो होता है वो थोड़ा सा कम हो पा रहा है, क्योंकि कल हम लोग बहुत ढेर सारे लोग जुड़े थे, 74 तक गए थे, बट आज के डेट में क्योंकि टाइम का थोड़ा चेंज हो गया मौसम की वजह से, इस वजह से आज बच्चों को इन्फॉर्म नहीं हो पाएगी। बट कल के दिन में डेफिनेटली हम 7:30 पर मिलेंगे, आज के दिन पे हम 7:30 के लिए शेड्यूल किए थे। चलिए, जब किसी संख्या को 3, 4, 7 से भाग दिया गया, जिनसे हम भाग देते हैं उन्हें हम भाजक कहते हैं, तो भाजक हम लिख लेंगे 3, 4, 7। शेष फल 2, 3, 5 मिला था तो हम नीचे शेष फल लगा देंगे, शेष फल है 2, 3, 5। सवाल को सॉल्व करते समय सीधे को जोड़ते हैं, तिरछे को गुणा, फिर सीधे को जोड़ते हैं, तिरछे को गुणा, फिर सीधे को जोड़ते हैं, आपको सिखाया अभी। तो सीधे को जोड़ोगे तो 7, 5, 12, तिरछे को गुणा करोगे 12, 4, 48, फिर सीधे को जोड़ोगे 48, 3, 51 और 51 में फिर हम 3 से गुणा करेंगे, 3, 91, 3, 3, 5, 15, 153। अब 153 में फिर 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 155। 155 जो आएगा ये संख्या है, लेकिन उसी संख्या को आपको किससे भाग देना, 42 से। तो 155 को अगर आप 42 से भाग दोगे, शेष बताना है, तो यहाँ पर 3 बार सीधे सीधे जाएंगे, 4 बार ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 2 6, 3 4 12 घटा दो बेटा, 15 में से 6 निकालेंगे क्या आएगा 9, 4 में से 2 निकालोगे क्या आएगा 2, 29। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, समझ में आ रहा होगा। बहुत स्मूथली, बहुत स्लो मोड में मैं बता रहा हूं, आशा करता हूं जरूर आप लोग कर ले रहे होंगे। यस के आर्यन, बिल्कुल सही है आपका उत्तर बेटा। अंकित तिवारी, आंसर गलत आ गया अंकित जी आपका, आंसर एक बार रेक्टिफाई करिए दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यदि 187 फैक्टोरियल 15 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो तो n का अधिकतम मान क्या होगा, ये भी सवाल अच्छा है, देखता हूं कितने स्टूडेंट इस सवाल को लगा पाते हैं। शिवांशु पांडे, बिल्कुल सही उत्तर आपका बेटा, 29। अनमोल जी पांडे, बिल्कुल सही है। विकास तिवारी, अमित पांडे, किरण मिश्रा, सभी के आंसर 29 आ रहे हैं, जितने भी लोग 29 कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास में करा रहा हूँ, मेरा ऑनलाइन क्लास कराने का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, जो आपके एग्जाम्स होते हैं पर्टिकुलर हम उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। दूसरे से एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो मॉडल रहे हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर कराते हैं। तीसरी चीज, हम चैप्टर वाइज सेशन लेकर के आते हैं। चौथी चीज, चैप्टर में भी हम टॉपिक वाइज लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं कि चैप्टर को थ्रॉली पूरा का पूरा उठा लिया एक बार में। तो यहां पर जैसे नंबर सिस्टम लेकर के आया, सिस्टम में बेनिफिशियल आपके लिए होगा अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ करके कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए करते हैं सवाल को।
तो यहां पर देखिएगा 187 फैक्टोरियल का मतलब हुआ वही चीज जो मैंने बताया, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 ऐसे ही कहां तक बेटा 187 तक। अभी बेसिकली बताया, यहां 15 की पावर n लिखा है, 15 का फैक्टर देखोगे तो 3 और 5 आएगा, तो मुझे पता है कि 3 ज्यादा बार आएगा कंपैरिजन 5 के, 5 कम बार आएगा और 3 ज्यादा बार आएगा। जैसे अगर आप 10 तक जाओगे तो 10 तक देखिएगा 3 3 में आएगा, फिर 6 में भी आ जाएगा और 9 में भी आ जाएगा, जबकि 5 को अगर आप देखोगे 10 तक मात्र 2 बार आएगा। तो आपको अगर टोटल 15 बनाना है तो 3 और 5 दोनों के जो मिनिमम, 3 और 5 में जो कम बार बनेगा पेयर उतने ही बनेंगे, तो मींस 5 कम बार बनेगा। तो यहां से यहां तक में आपको ये देखना होगा कि 5 से कटने वाले नंबर कितने हैं। तो सरल सा तरीका है, 187 को आप सबसे पहले किससे भाग देंगे, 5 से, 5 × 3 = 15 15 बचेगा कितना बेटा 3, हो जाएगा कितना 37, 5 × 7 = 35। अब जो 37 मिला है इस 37 को पुनः 5 से भाग दोगे तो 5 × 7 = 35, जो 7 मिला इसको पुनः 5 से भाग दोगे तो 5 × 5 = 5। अब अगर आप जोड़ोगे 37 में 7 जोड़ोगे 44 और 1 = 45, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बेटा? सर क्लास डेली चलेगी ये मैथ की? हाँ शिवांशु जी डेली चलेगी, इसका डेली आने का टाइम है 7:30 शाम को, रेगुलर लेकर के आऊंगा मैथमेटिक्स में, चैप्टर वाइज स्टार्ट कराऊं, चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपको अभ्यास कराऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर यहां से अभ्यास सेशन से ही मेरे जुड़ करके अगर आप अच्छा अभ्यास कर लेते हैं तो गणित के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो निश्चित तौर पर यहीं से आएंगे। अमन सरोज 48 होगा क्या सर? कैसे अमन, अगर 48 होगा आइए चेक कर लेता हूं, अगर आता है 48 तो कैसे? इस प्रोसेस से तो यही आ रहा है जो मैंने आपको करके दिखाया है। अंकित तिवारी 45, सबके 45 सर, रिया सरोज 45, अमन कुमार सर एक बार और, बिल्कुल अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहले 187 जो है इसको आप 5 से भाग दीजिएगा, जो भागफल तुम्हें मिला है 37, इस भागफल को पुनः आप 5 से भाग दीजिए, 37 को जब पुनः 5 से भाग दिए तो कई बार गया 7, जो भागफल मिलता है इसको पुनः फिर 5 से भाग दीजिए तो कितना बार जाता है 1, जब तक भाग लगेगा तब तक आप भाग देते रहिएगा। लास्ट टाइम तक हमने जोड़ा तो आ गया मेरा 45 और हम आंसर कर रहे हैं 45। ओके बच्चों यहां तक, अगर इसको बेसिक तौर पर मैं देखना चाहूंगा कि बेसिक्स में क्या हो रहा है तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं सभी कैंडिडेट चेक कर ले, अगर कोई डाउट होगी तो आप जरूर क्वेश्चंस करिए, मैं आपके कमेंट्स देख करके सवाल का रिप्लाई अवश्य तौर पर करूंगा। और क्लास केवल लाइव रहेगी, याद रखना क्लास ओवर हो जाने के बाद एक क्लास आप नहीं देख पाएंगे, ओनली लाइव मोड में देख पाएंगे बस आज। चलिए, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है, यदि संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, जल्दी से बताइए। हाँ अमन कुमार बिल्कुल 15 है, मैंने 15 ही पढ़ा, 15 जो है 3 और 5 का मल्टीपल चेक करना था 15 में, तो हमें पता है कि 3 जो है वो ज्यादा बार आएगा 5 कम बार आएगा, तो जो कम बार आता है उसके जोड़े देखते हैं, इसीलिए हमने 15 से ना चेक करके केवल 5 से चेक किया है। ठीक है, 3 और 5 के पेयर बनाने देखता हूं, 13 से भाग देने पर शेष 1 मिला है, 13 से भाग दिए हो तो 13 तुम्हारा भाजक है, 13 से भाग देने पर शेष 1, फिर बोल रहा है उसी संख्या को 5 से भाग दे तो शेष क्या होगा, तो चलिए 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना देता है 3। संख्या अगर तुम्हारी निकालनी है तो सीधे को जोड़ लो, 5 × 3 = 8 और तिरछे को गुणा करा लो, 13 × 8 = 104, फिर सीधे को जोड़ दो 105 आ जाएगा। 105 को भाग किससे देनी है आपको, 65 से, शेष कितना आएगा ये बताना है, 65 × 65 = 65, शेष कितना बच गया 40, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ 17 का आंसर बिल्कुल 40 है अंकित जी, बिल्कुल सही है। ओके ओके बिल्कुल आगे से मैं बगल हो गया हूं, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, जिसको जो भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख दिया करिए, जरूर मैं उसका रिप्लाई कर दिया करूंगा। ओके गाइस थोड़ा सा स्कोर इधर पीछे कर दो, अब सही रहेगा, हमारी वजह से जो आपको दिखता नहीं था अब दिखेगा प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, चलो सवाल यह है स्क्रीन पर, यदि 335 को
5A7 में जोड़ा जाए तो रिजल्ट 8B2 मिलता है, और 8B2 तीन से विभाज्य संख्या है, तो A का अधिकतम मान क्या होगा ये आपको बताना है। आइए देख लेते हैं इस सवाल को। 335 5A7 में जोड़ा गया तो रिजल्ट आपको मिला है 8B2। तो हम जानते हैं 5 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 की 2 हासिल 1। फिर यहां पर अगर हम जोड़ते हैं तो 5 3 8 आएगा, कंफर्म है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यहां पर हासिल तो आ जाएगा 18 18 जो है 3 से कटता है। तो B का मान अगर हम 8 रख देंगे तो आपको पता ही है कि 3 1 4 तो A हो गया, तो A का मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं 4। ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी। विकास तिवारी गलत उत्तर बेटा, 8 उत्तर नहीं आएगा और A का मान पूछा है। B का मैक्सिमम मान 8 आएगा लेकिन A का मैक्सिमम मान क्या आएगा 4 आएगा, कंफर्म है। चलिए, अमित पांडे आपका उत्तर बिल्कुल सही है, संदीप सीआरपीएफ आपके आंसर भी बिल्कुल करेक्ट हैं, अंकित तिवारी आपके उत्तर 5 कौन से सवाल किए आ रहे हैं भाई, डेली सर इस टाइम चलेगी। सुधांशु पांडे मैं आपको बता दूं ये डेली क्लास 7:30 पर डेली चलेगी, 7:30 7:30 पर डेली चलेगी। गुड इवनिंग शिवमंगल जी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसको करिएगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेष फल का 5 गुना है, यदि शेष फल 46 हो तो भाज्य क्या होगा, गजब का क्वेश्चन है, और देखता हूं कितने लोग के आंसर्स परफेक्ट आते हैं। सबसे पहले भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, ध्यान देना भाजक जो है हमारे भागफल का क्या गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है, ध्यान देना भाजक भागफल का क्या गुना है 10 गुना, कंफर्म है। अब सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा बेटा, यहां भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, फिर शेषफल 46 दिया है तो शेषफल 46 रख दो, 46 5 6 230 आ गया, 230 जो आया वो आपका भाजक आ गया, तो अब भाजक की जगह अगर हम 230 रख देंगे तो हमारा भागफल यहां से निकल जाएगा बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, हमारा भागफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा 23, सही है। अब हमसे पूछा भाज्य क्या होगा, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ना पढ़ा होगा तो मैं बता दूं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, समझ में आ रहा है दोस्तों। भाजक जो हमारा क्वेश्चंस में दिया गया है वो अब आपने देख लिया है कि आ गया है 230, भागफल जो दिखा है वो 23 और शेषफल जो दिखा है वो 46, 23 का 23 में गुणा करेंगे 529 प्लस 46 अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 53 36, ऐसा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 43 06 होगा सर, क्यों भैया 43 06 होगा, 23 से हमें 529 होता है, 43 06 कैसे हो जाएगा, अयान सिंह 43 06 कैसे होगा, अनमोल पांडे का 53 36 आया है, बाकी शिवमंगल विकास तिवारी ये सब 43 06 कैसे हो गया, यही चीज आप मुझे समझाएं। चलिए संदीप सीआरपीएफ 53 36 ओके। अगला क्वेश्चन से स्क्रीन पर है, इसे ट्राई करिए आप लोग जल्दी से और देखता हूं किसके आंसर्स करेक्ट आते हैं। लिखा है संख्या 30 744 किस एक अंक की संख्या से विभक्त है, लिखा है संख्या 30 744 किस एक अंक की संख्या से विभक्त है, यानी इन ऑप्शन में जो दिए गए हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि आपको ये चेक करना है कि किस एक अंक की संख्या, यानी 2 3 5 7 9 8 9 किससे कटेगा आपको बताना है, 5 से तो पक्का नहीं कटेगा, ये लिखा भी है 5 और 7 को छोड़कर अन्य सभी संख्या से भाज्य है, लिखा 5 और 7 को छोड़कर अन्य सभी से भाज्य है, इसका मतलब है 2 से भी 3 से भी 4 से भी, 5 को छोड़ दिया जाए 6 से भी, 7 को छोड़ दिया 8 से भी और 9 से भी,
पहला ऑप्शन का मतलब है, दूसरा ऑप्शन का मतलब है केवल दो तीन और छह से, तीसरा ऑप्शन है दो तीन छह और नौ से, अगला ऑप्शन है पांच को छोड़कर के अन्य सभी से। अब हमें पता है कि अगर मुझे नौ से चेक करना है तो नौ से तो वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का जोड़ नौ से कटेगा, तो अगर मैं जो देखूंगा तो चार चार आठ, आठ सात पंद्रह, पंद्रह तीन अठारह, अठारह जो है नौ से कटता है इसलिए यह संख्या नौ से कटेगी, इतना तो कन्फर्म हो गया। और तीन से भी कट जाएगा क्योंकि जो संख्या नौ से कट रही है वो तीन से भी कट जाएगी, और कोई संख्या सम है तो दो से भी कट जाएगी, और कोई संख्या दो से कट रही है तीन से भी कट रही है तो छह से भी कट जाएगी। तो कहोगे सर दो तीन छह नौ तो कंफर्म हो गया है, पांच से तो पक्का नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा पांच से? क्योंकि याद रखना किसी संख्या का इकाई अंक शून्य और पांच है तभी वह संख्या पांच से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अब तुम्हारे पास एक मात्र ऑप्शन सात को बचता है, अगर सात से चेक करता हूं तो सत चौक अट्ठाइस, बचेगा दो हो जाएगा सताइस, सात त्रिक इक्कीस, बचेगा छह हो जाएगा चौसठ, सत नवाई तिरसठ, बचेगा एक हो जाएगा चौदह, सात दूनी चौदह, यानी पांच को छोड़कर के अन्य सभी से कटेगी क्योंकि सात से भी कट गई, यानी दो से भी कट रही है तीन से भी कट रही है, अंतिम दो अंक अगर चार से कटे तो चार से भी कटेगी, छह से भी कटेगी, और आठ से अगर मैं चेक करूंगा तो आठ नौ बहत्तर, बचा दो हो गया चौबीस, आठ से भी कट गई, दो से भी, तीन से भी, चार से भी, छह से भी, और सात से भी, आठ से भी, नौ से, यानी सिर्फ मात्र नहीं कटी एक अंक में तो पांच से। इसका मतलब है ऑप्शन डी सही होगा, पांच को छोड़कर के अन्य सभी से कटेगी। तो बीस में ऑप्शन ए जो लिखा है अंकित तिवारी बिल्कुल गलत है आपका जवाब। अमन सरोज के ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मैथ शॉर्ट्स आपके भी आंसर गलत थे। संदीप सीआरपीएफ आपके भी आंसर्स गलत थे। अमन सरोज के आंसर एक बार गलत थे, दोबारा इन्होंने अपने आंसर को करेक्ट किया था, ऑप्शन डी सही है। तो होपफुली अगर क्लास आपको समझ आ रही है तो एक बार आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर थम्सअप दे करके ज़रूर आप मेरा मोटिवेट्स बढ़ाइए, और मुझे भी लगेगा कि आपके लिए क्लास यूज़फुल होए तो हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ा रहेगा और कंटिन्यू हम इस क्लास को ले आने के लिए एक्टिव रहेंगे। तो एक बार ज़रूर आप लोग बताइए, और आज हमें भी इस चीज़ को रिग्रेट है कि 7:30 की क्लास आज हम 7:30 पर नहीं ले पाए, जिससे बहुत ढेर सारे बच्चे वेट भी कर रहे होंगे क्लास का लेकिन वो नहीं जुड़ पाए इस वजह से, और उन्हें टाइम का भी शायद ना फिर पता चल पाया हो। बट मुझे लगा कि हमने अगर कल ही अभी क्लास शुरू किया है ऑनलाइन और आज के डेट में अगर हम अब्सेंट हो जाएं तो ये सही नहीं है, स्टार्टिंग में ही अब्सेंट ही हो, लेकिन वो 7:30 बजे इसलिए नहीं आ पाए आपको पता है कि वेदर की वजह से। फिर जैसे ही लाइट वगैरह आई तो मैं कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा और आज की क्लास थोड़ा डिले कराया, बट कल के दिन में मैं फिर 7:30 पे ही आपके साथ उपस्थित रहूंगा और एक दिन में आपको डेली टॉप 20 क्वेश्चंस कराऊंगा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप सब जुड़ करके उस क्लास का अभ्यास करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू, आप सब अपना बहुत ख्याल रखें।